अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? आज मैं था शादी हाल पे खाना खाने। आप लोगों को पता है कि मुर्गी का जो रेट है वो 700 रुपये किलो है, छोटा गोश्त 3000 रुपये किलो मेरे ख्याल से होगा। अभी ये देखें जी, हमारे मुसलमान भाई जिनको घर में हड्डी मिलती है वो एक हड्डी चूस चूस के खाते हैं। ये देखें बोटियाँ, छोटा गोश्त है, ये भाई की एक प्लेट है, एक और भाई की इसी तरह चावल है, इसमें कबाब, सी कबाब जो 200 रुपये की आपको दो बोटियाँ मिलती हैं। आप लोग ऐसे जैसे खाते हैं जैसे अबूरों की शादी हो रही है, ऐसे माल जाया करते हैं। खानदानी बंदा यार यकीन, क्योंकि शादी हाल में वो होता है जिसकी जो प्लेट होती है ना इससे भी ज़्यादा साफ़ होती है। मेरे ख्याल से यार कसम से सारे भूखे हैं, इंसान की आंखें भूखी हैं। अभी देखें ये भाई ने भी इस तरह बोटियाँ छोड़ी हैं, बिल्कुल साथ बोटी लगी हुई है। मकसद वीडियो बनाने का ये कि आप लोगों को यार, एक मुसलमान है, खाना वेस्ट मत किया करें। ये खाना डस्टबिन में जाएगा तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, जिनके घर में महीना महीना मुर्गी नहीं बनती, और यहाँ पे छोटा गोश्त बड़ा गोश्त हम लोग ऐसे ज़ाया करते हैं जैसे बाप उन की प्रॉपर्टी हो। लेके हम पूरा टबर भर देते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं, पूरी फैमिली आगे खा रही होती है, ऐसे वेस्ट करते हो। जितना खाना खाना होता है आपके सामने, देखो ये सिस्टम पड़ा होता है, इसके अंदर से आपने निकाल के डालना है। जितना खाना आप लोगों ने खाना है उतना डाला करें। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खाना वेस्ट मत करें, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, अल्लाह पाक सबको हदायत दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।